बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ए टू सी। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड कम टू दी पेज नंबर 189। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इज स्टडी द ग्राफ देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स गिवन है एंड वर्टिकल में हमारे पास कॉस्ट इन रुपीज गिवन है। स्टूडेंट्स, एक बॉटल की कॉस्ट हमारे पास 20 रुपीज़ है। सो नाउ मूव पार्ट ए। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाइश। सो नाउ हमें बताना है 3 लेमन स्क्वाइश की कॉस्ट हमारे पास क्या है। सो लुक एट द ग्राफ। एक बॉटल की कॉस्ट हमारे पास 20 रुपीज़ है। सो हमें 3 की फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर 60 आएगा। सो आप 60 राइट करेंगे। देन ग्राफ में भी हमारे पास शो हो रहा है 60। सो आप 60 राइट करेंगे। नाउ मूव पार्ट बी। इफ़ यू हैव 2 रुपीज़ 20 नोट्स, कैन यू बाय 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाइश। अगर आपके पास 2 नोट्स हैं 20 रुपीज़ के, तो क्या आप 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाइश ख़रीद सकते हैं। आंसर में हम नो राइट करेंगे, बिकॉज ये कह रहे हैं हमें कि हमारे पास 20 रुपीज़ के 2 नोट हैं। तो 20 + 20 = 40 होता है। बट अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, 20 जो है एक बॉटल की कॉस्ट है। सो हमें 4 की फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास 80 आएगा। सो दैट्स वाई हम नो राइट करेंगे। और इसी तरह अगर हम ग्राफ में भी देखते हैं, तो 4 लीटर में हमारे पास 80 की कॉस्ट आ रही है। सो इसलिए यहाँ पे हम नो राइट करेंगे। नाउ पार्ट सी। हाउ मच चेंज विल यू गेट फ्रॉम 100 रुपीज़ व्हेन यू बाय 1 लीटर ऑफ लेमन स्क्वाइश। हमने 100 रुपीज़ दिए हैं और एक बॉटल ली है। एक बॉटल 20 रुपीज़ की थी, तो हमें रिटर्न में कितना चेंज मिला। सो 100 में से हम 20 को लेस करेंगे। 100 - 20 = 80। सो आप आंसर में नीचे 80 राइट करेंगे। डू ऑल वर्क विथ पेंसिल होमवर्क एक्सरसाइज 8, नोट डाउन क्वेश्चन 5, पार्ट ए बी एंड सी इन द बुक पेज नंबर 189।